जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे साल की पहली अमावस्या 2 जनवरी रविवार के दिन आ रही है पौष अमावस्या। दोस्तों, पौष अमावस्या के आपने कई सारे उपायों के बारे में सुना होगा। पूजा ऐसे करनी है, ऐसे दान करनी है, ऐसे दान करना है, ऐसे पितरों को तर्पण करना है, लेकिन इन सब के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों किए जाते हैं ये काम, ये बहुत कम जन जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ पूजा विधि को नहीं जानेंगे, उसके पीछे के लॉजिक्स को हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, अगर आप भी विश्वास रखते हैं या राशिफल देखते हैं, और अगर एक दिन सुबह में न्यूज़पेपर नहीं आए तो आपको भी चाय फीकी लगने लगती है, तो अब आपकी चाय की मिठास कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि डेली सुबह में 7 बजे शार्प 7 AM जो है राशि फल का वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो अपनी राशि जो है वो अपना देश के थ्रू जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, ताकि सुबह 7 बजे ही नोटिफिकेशन आते ही आप वीडियो देख सकें। अब आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो बात कर रहे हैं पौष अमावस्या की पूजा की। दोस्तों, अमावस्या के दिन एक्चुअली में अमावस के देवता अर्यमा, जो पितरों के प्रमुख हैं, उनकी पूजा की जाती है। और अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से सदैव वे प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उसे प्रजा वृद्धि होती है, धन रक्षा होती है, आयु की वृद्धि होती है, बल और शक्ति मिलती है, साथ ही साथ ही संतान जो है वो सुखी रहती है और संतान का सुख मिलता है। एक्चुअली में इसको बल प्रदायक तिथि के रूप में माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण इत्यादि किया जाता है। दोस्तों, वैसे साल में टोटल 12 अमावस्याएं होती है, क्योंकि हर महीने में एक अमावस्या आती है। अमावस्याएं कई की होती है, जैसे सोमवार को आने वाली सोमवती, मंगलवार को आती है वो भोमवती, मौनी अमावस्या आती है, शनिवार को शनि अमावस्या आती है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या और कार्तिक अमावस्या, जिसे हम दिवाली वाली अमावस्या कहते हैं, उसके अलावा सबसे प्रमुख आती है सर्व पितृ अमावस्या। दोस्तों, इन सभी अमावस्या के दिन भी अमावस्या के दिन दान पुण्य और स्नान करा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु या दैत्य जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, या ये कह सकते हैं वो वातावरण में उन्मुक्त रहते हैं, फ्री घूम। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि जो उनके संपर्क में आता है वो उसे अपने इम्पैक्ट में ले लेते हैं, उन पर उन शक्तियों का नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है। और अमावस्या में दानवी आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है, इसी कारण से आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का स्वभाव जो है वो अमावस्या के दिन ही, अमावस्या के एक दिन पहले से ही थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा होने लगता है, गुस्सा ज्यादा करने लगते हैं। तो ये सब जो रीजंस हैं वो अमावस्या का भी इफेक्ट होते हैं। ये सब इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए इसको समझते हुए व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म से जोड़ दिया जाता है, कि वो पूजा पाठ में लगा रहेगा तो गुस्सा नहीं करेगा, कोई अनैतिक कर्म नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा, इसीलिए उसे पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है और व्रत उपवास कराया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अमावस्या के दिन चंद्रमा क्योंकि दिखाई नहीं, इसका क्षय उदय नहीं होता, इसीलिए इसे अमावस्या कहा गया है। और दोस्तों, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन काल भी कहा जाता है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं, ये बहुत कम जन जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस दिन होता क्या है कि इंसान की जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका खान पान पे कंट्रोल, कि वो क्या खा रहा है। तो सबसे पहले खाने पे ध्यान दिया जाता है, तो तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल से नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, हल्दी और नॉनवेज इत्यादि को यूज ना करें, या फिर नशीली चीजें भी तामसिक भोजन का ही पार्ट है। बहुत से जन व्रत करके गुटखा, जर्दा इत्यादि खाते हैं, तो वो नहीं जानते कि वो भी तामसिक भोजन का ही पार्ट है। तो इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए, इससे शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ सकते, इसीलिए इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बहुत बढ़ जाती है, और ऐसे में नकारात्मक शक्तियां उसे अपने प्रभाव में ले लेती है, और ऐसे में
हनुमान जी का जप करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरह की जो शक्तियां होती है वो हनुमान जी से बड़ा भय खाती है, और जो पूजा करते हैं वो शक्ति, तो वो नेगेटिव चीजें उस व्यक्ति के पास भी नहीं फटकती। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ डर लगता है, कहीं ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीजें आपको बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेती है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत उपवास करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो ज्यादा भावुक होते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ अधिक करनी चाहिए। इस दिन हो सके तो उपवास रखें, उपवास ना भी रखें तो तामसिक भोजन को अवॉइड करें, सात्विक भोजन करें। और जानकार लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा, यानी इन तीनों ही दिन को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, और इन तीनों दिन में पवित्रता बनाए रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों नए साल में 2022 में पहली अमावस्या यानी कि जो पोषी अमावस्या, वो रविवार के 2 जनवरी को आ रही है, और इस दिन दोस्तों भगवान भास्कर का, जो एकमात्र सृष्टि के प्रत्यक्ष देव है जिन्हें हम देख कर पूजा करते हैं, उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है, और ये रविवार के दिन आ रही तो इस पूजा का महत्व कई हजार गुना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रविवार का दिन है वो भास्कर यानी कि सूर्य देव के निमित्त किया गया है। तो इस दिन आपने पूजा करनी हो, पहले ये जान लेते कि अमावस्या तिथि शुरू कब हो रही है। दोस्तों अमावस्या तिथि रविवार 2 जनवरी को सुबह में 3:43 से शुरू होगी, जो कि सोमवार के दिन यानी कि 5:26 तक रहेगी। यानी 2 तारीख को जो अमावस्या है वो उदया तिथि की अमावस्या है, इसलिए इसमें आपको व्रत पूजा दान सब कुछ 2 तारीख के दिन ही करना है। और दोस्तों इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की सलाह दी जाती है, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी नदी तालाब सरोवर के पास ना जाएं, अपने घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें, अपनी पवित्र नदियों का नाम सुमिरन करके आप स्नान कर लें, आपको उतना ही फल मिलने वाला है। नदी पर जाने के साथ फल के साथ कुछ और भी मिलने के चांसेस है, जो और भी मिलने के चांसेस है जो अपने को नहीं चाहिए। इसके साथ ही इस दिन अपने पितरों के निमित्त हमें दान पुण्य करना है, जितना हो सके पितरों के निमित्त आप दान जरूर से करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत का सामान दें, भी विंटर है तो आप वूलन दे सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं, ऐसी चीज के साथ ही। दोस्तों आपने जो सुबह की पूजा के नियम की बात करें तो सबसे पहले सूर्य देव को आपने अर्घ्य देना है। अर्घ्य कैसे देना है, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसको शुद्ध जल से भर लीजिए, उसमें थोड़ी सी जो है कुमकुम वो डाल लीजिए, लाल फूल डालिए, तो लाल चंदन डाल सकते हैं, थोड़े से अक्षत या काले तिल डालकर आपने भगवान भास्कर को अर्घ देना है, और मंत्र आप बोल सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवताय नमः या ओम सूर्याय नमः से भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें, पूजा करने के बाद आपने पितरों के निमित्त तर्पण करना है, इसके लिए आपने बनानी है खीर। दोस्तों खीर बना लें, फिर एक गोबर का उपला लें, फिर उसके ऊपर में आपने जो खीर बनाई है उसका नैवेद्य जो वो अर्पित करना है, तुलसी दल अर्पित करना है, उसके बाद में उसके चारों ओर से जल जो है वो घुमाते हुए फिर राइट हैंड से बाई तरफ जो है वो आपने जल छोड़ देना है। इस तरह से आपने जो है भोग लगाना है, उसके बाद में एक लोटे में आपने जल लें, काले तिल डालें और अपने पितरों के निमित्त जो है वो आप तर्पण करें। तर्पण करते वक्त आपको हमेशा दक्षिण मुखी होकर बैठना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। और उसके बाद में आप तर्पण करने के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पॉकेट, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप दान करें, लेकिन दान जो है हमेशा अच्छा करें, जरूरतमंद को ही आपने करना, और सबसे ज्यादा फल मिलता है किसी गरीब बच्चे को भोजन खिलाने से, कहते हैं ऐसा करने से भाग्य के दरवाजे। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने का भी विधान आता है, लेकिन दोस्तों इस दिन आप ना करें, क्योंकि इस बार की अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है, और रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उपाय या टोटके बता देते हैं, तो बिना सोचे समझे रविवार के दिन पूजा कराते हैं, बाद में फिर ये सवाल करके पूछते हम क्या करें। दोस्तों रविवार के दिन चाहे
कोई भी दिन हो, कोई भी बड़ा तिथि कुछ भी हो, आपने पीपल की पूजा बिल्कुल से अवॉइड करनी है। और आप तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं, आपने जल जो है वो नहीं चढ़ाना है। और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए तुलसी से ही तोड़कर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूजा करनी है। और पूजा में दोस्तों चीजें वेस्ट करने से बेहतर है, आप जितने रुपए का सामान पूजन सामग्री में लाते हैं उतने रुपए का आप दान कीजिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, पक्षियों को दाना दीजिए, कुत्तों को रोटी डालिए। उससे पुण्य मिलेगा, जितना आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों वो किसी भी पूजा पाठ कर्म से आपको नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। और राशि फल के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सुबह 7 बजे आने वाला है आपका राशि।